का इंडियन नर्सिंग एकेडमी पे हार्दिक स्वागत। मैं नरेंद्र यादव। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उन इम्पोर्टेंट टॉपिकों के बारे में जो कि 12 जुलाई 2021 को होने वाली मेंटल हेल्थ नर्सिंग की एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। मैंने प्रीवियस 2-3 साल के पेपर देख के, पेपर का पैटर्न जान के कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जिनकी पॉसिबिलिटी बनती है जो कि अपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पेपर में आ सकें। अब उन टॉपिकों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पेपर देखा तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना पुटअप होता है मोस्टली इंट्रोडक्शन पार्ट से, तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस प्रकार से हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन अपना बनेगा वो बनेगा मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन या मेंटल हेल्थ के बारे में। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो मेंटल हेल्थ के बारे में, फर्स्ट जो टॉपिक अपना इम्पोर्टेंट है वो है मेंटल हेल्थ। दूसरा टॉपिक अपन डिस्कशन करेंगे मेंटल प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो कि बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे पेपर में, बड़ी ही पॉसिबिलिटी बनती है जिनकी पेपर में आ सके। दूसरा बनेगा अपना प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मैंने फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन। दूसरा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन है, दूसरा जो टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। थर्ड जो टॉपिक अपन डिस्कशन करेंगे वो करेंगे प्रिवेंटिव साइकेट्रिक से, रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंटिव साइकेट्री, रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंटिव साइकेट्रिक। थर्ड जो टॉपिक मैंने बताया रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंटिव साइकेट्रिक, इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन हो चाहे सेकेंडरी या टर्शरी, तीनों में से किसी का भी रोल पुट अप कर सकता है पेपर के अंदर। ये अपने तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने डिस्कशन किए। फर्स्ट मैंने बताया मेंटल हेल्थ के बारे में, दूसरा जो टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। थर्ड जो टॉपिक मैंने बताया वो है रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंटिव साइकेट्री। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें साइकोथेरेपी में, सबसे इंपॉर्टेंट साइकोथेरेपी जो जुलाई 2021 के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पेपर में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो है इंडिविजुअल साइकोथेरेपी के साथ साथ एक थेरेपी आने की पॉसिबिलिटी और बनती हुआ माइली थेरेपी जिसको थेरापेटिक कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है माइली थेरेपी के नाम से या थेरापेटिक कम्युनिटी के नाम से। स्टूडेंट कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, माइलोथेरेपी के नाम से क्वेश्चन आए चाहे थेरापेटिक कम्युनिटी के नाम से क्वेश्चन आए, एक ही बात है। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं साइकोफार्मेकोलॉजी से। साइकोफार्मेकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एंटीसाइकोटिक ड्रग। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें फेजेस ऑफ एनपीआर नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है फेजेस ऑफ एनपीआर। नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें क्राइसिस इंटरवेंशन। नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है ग्लूमिया नर्वोसा डिसऑर्डर जो कि एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट अपन डिजीज की बात करें, नेक्स्ट अपन टॉपिक की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए आप सभी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, नर्सिंग की एग्जाम देने जा रहे हो, सभी के साथ कनेक्ट करना रोल ऑफ नर्स, लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट या रोल ऑफ नर्स ऐड करना है अच्छे नंबर गेन करने के लिए। अब नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे राइट्स ऑफ मेंटली इल क्लाइंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या अधिकार होते हैं मेंटली इल क्लाइंट के, ये क्वेश्चन भी पुट अप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करेंगे एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसीजर, किस तरीके से एडमिशन होता है एक साइकेट्रिक पेशेंट का हॉस्पिटल में या किस तरीके से उसको डिस्चार्ज किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेंटल हेल्थ एक्ट के चैप्टर नंबर 4 में एक्सप्लेन किया गया एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसीजर।
नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करें, एक लार्ज क्वेश्चन बन सकता है ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। ये अपना मेजर क्वेश्चन बड़ा हो सकता है ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, जिसमें डिजीज इंक्लूड डिमेंशिया और डिलीरियम। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर में ICD-10 या DSM-4 भी पुटअप किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें या शॉर्ट नोट्स में पुटअप हो सकता है क्वेश्चन OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुलाई 2021 मेंटल हेल्थ नर्सिंग टॉपिक पेपर के लिए। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, एक क्वेश्चन पुटअप होता है रोल ऑफ नर्स इन डिजीज, तो अपन कुछ एक डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि शॉर्ट नोट्स में पुटअप है, क्वेश्चन पुटअप होता है, यानी हर डिजीज में रोल ऑफ नर्स क्या होता है, तो अपन कुछ एक डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट एंजाइटी डिसऑर्डर, पेपर में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है एंजाइटी डिसऑर्डर में नर्स का क्या रोल होता है। नेक्स्ट सिजोफ्रेनिया का मेजर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी 2 जुलाई 2021 के पेपर में कम बनती है। मेजर क्वेश्चन जब मैंने पेपर डिस्कशन किए प्रीवियस 2-3-4 साल के पेपर देखे, तो मेरे को लगता है ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम वाला क्वेश्चन एक 16 नंबर का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन बात करें सिजोफ्रेनिया में नर्स का क्या रोल होता है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में रोल ऑफ नर्स preparation of client before ECT, ECT प्रोसीजर करने से पहले किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, इसमें नर्स का क्या रोल होता है, ये क्वेश्चन भी पुट अप किया जा सकता है जुलाई 2021 के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पेपर में। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ये कुछ एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया जो कि जुलाई 2021 के मेंटल हेल्थ नर्सिंग के पेपर में पुटअप हो सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए इनको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा पेपर देके आओगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, अच्छे आपके नंबर आएंगे। थैंक यू सो मच।